Nisya Bharti and welcome back to my channel. So, आज हम करेंगे फोटोग्राफी, वो भी कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज के साथ, जो होगा नो बजट बिग रिजल्ट के साथ। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ 3 ट्रिक्स शेयर किए थे आपको, आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और जाकर अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में डाल दूंगी, आप वो जरूर देखना जाकर। और इस वीडियो में हम और भी न्यू क्रिएटिव पे काम करेंगे। सो इस वीडियो के लिए आप चाहे तो आप खुद से सेल्फ पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप उनकी हेल्प लेकर भी काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें हेल्प ली कुछ फोटोज में, यस। सो आज की वीडियो में जो मैंने प्रॉम्प्ट जो यूज़ किए हैं फोटोग्राफी के, वो है दुपट्टा एंड मिरर एंड प्लास्टिक आर्टिफिशियल फ्लावर, या फिर आप ओरिजिनल भी ले सकते हो अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने प्लास्टिक आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ किया है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं बताना चाहती हूँ, वैसे ये सारी ट्रिक्स मैंने रिसर्च करके मैंने देखा और मैं वो ट्राई किया मैंने, और जो जो सक्सेसफुल हुआ, मतलब बहुत सारी ट्रिक्स थी मैंने ट्राई किया, जो सक्सेसफुल हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो भी आप भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोज़ देखते हैं फोटोग्राफी की, काफ़ी सारी क्लिक्स देखते हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, ये इसके लिए हमें DSLR कैमरा चाहिए, या फिर इस फोटोग्राफी के लिए हमें काफ़ी अच्छी एक सेटअप चाहिए, सब चाहिए। तो उस वो सारे फोटोग्राफी ऐसा नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हो। तो जो मैंने ट्राई किया, जो सक्सेसफुल हुआ ट्रिक्स, वो सारे ट्रिक्स मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इस ट्रिक के लिए मैं एक दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ, कोई भी दुपट्टा आप ले सकते हो इसके लिए, प्रिंटेड हो या फिर कोई भी हो। मैं ये नेट का दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले आप इसके कॉर्नर में जो भी है इसको आप अपने फ़ोन से फंसा लेना। इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, और ख़ुद से भी आप अपने फ़ोन के कवर में आप इसको फंसा सकते हो। मैंने की हेल्प ली थी। और जो आप जब फ़ोटो में पोस्ट दोगे तो सबसे पहले ऊपर देखना, कैमरे को डायरेक्ट मत देखना, नहीं तो लुक जो है वो अच्छे से नहीं आएगा, थोड़ा ब्लर आएगा। तो इस वे में जैसे आप दुपट्टा उसको आप एकदम टाइटली खींचना, लगे कि कैमरे के पास से ये जो दुपट्टा है वो पास हो रहा है कैमरे के साइड से, तो उस टाइप से दुपट्टा को आप अपने तरफ से लेना। और फिर आप जैसा आप चाहे आप अपने, मतलब आप जो चाहते हैं वो पोज भी आप दे सकते हो। सो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक मिरर यूज़ किया है, और अपने फ़ोन को मैंने फ्लावर पॉट से टिकाया है। बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स और एक वाइट कलर की साड़ी का यूज़ किया है। आप चाहे तो आप कोई भी बैकग्राउंड बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने एक साड़ी का यूज़ किया है। पोज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो जैसा आप चाहो, आप क्लोजअप में ले सकते हो आप चाहो तो। और ध्यान रखना बस कि आप डायरेक्ट अपने, मतलब जो आईज़ आप डायरेक्ट वो कैमरे से नहीं देखना, आप या तो लेफ़्ट राइट या फिर ऊपर देख सकते हो, और कुछ इस तरह का पिक आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल वो आएगा। सो थर्ड ट्रिक में मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ किया है, इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेट करते हैं। मैंने ग्रीन लिप्स यूज़ किया था, और आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है कुछ इस तरह का होगा। इस ट्रिक में मैंने जो कैमरे को स्टैंड किया है वो काफ़ी नीचे और काफ़ी दूर में किया है, याद रखना, क्योंकि देखिए इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। आई होप ये सारे
हमारी फोटोग्राफी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपनी जो भी आपकी जो भी सजेशंस, जो भी आप मुझे आइडियाज़ अगर कुछ है आपके पास से आप शेयर करने चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, स्टे होम और टेक केयर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।